अवैध माइनिंग से जुड़े मामले को लेकर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। अब इस मामले में ईडी ने होटवार जेल अधीक्षक को पूछताछ के लिए समन भेजा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के ड्राइवर से भी पूछताछ होने वाली है। इसके अलावा मामले में कुछ लोगों की प्रॉपर्टी को अटैच करने की भी तैयारी हो रही है। फिर एक्शन में प्रवर्तन निदेशालय, सवाल जवाब के समन पर सियासत, टारगेटेड एक्शन या एक्शन पर टारगेट। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में अब ईडी के रडार पर होटवार जेल अधीक्षक हैं, जिन्हें समन भेजकर 5 दिसंबर को ईडी कार्यालय बुलाया गया है, जबकि पंकज मिश्रा के ड्राइवर्स सूरज पंडित और चंदन को भी ईडी दफ्तर तलब किया गया है। सूरज को 6 दिसंबर को और चंदन को 7 दिसंबर को बुलाया गया है। इसके साथ ही इस बात की चर्चा भी जोरों पर है कि ईडी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से जुड़ी संपत्ति अटैच करने की तैयारी। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। में भी है अब ईडी की इस नई सक्रियता को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष टारगेटेड एक्शन का आरोप लगा रहा है। ठीक है, देखिए उनके अनुसंधान का तरीका है, उनको जिनको बुलाना है बुलाएं, पूछताछ करें, उससे हमारी पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन स्पष्ट रूप से जो दिखता है, जो चर्चा होती है पूरे झारखंड में, कि एक युवा मुख्यमंत्री को, एक बेहतरीन काम कर रहे मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, उसी की एक कड़ी के रूप में देखा जाए। देखिए, राज्य में विधानसभा चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखला गई है कि वो अब ईडी इस राज्य में खेल रही है। महागठबंधन के चेहरे को हम कैसे बदनाम करें, राज्य के विकास को हम कैसे बाधित करें, तो अब भारतीय जनता पार्टी इस कामों में झारखंड में लग गई है। जहां सत्ता पक्ष विपक्ष पर जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगा रहा है, वहीं बीजेपी पूर्व मंत्रियों पर जांच के मामले के बहाने पलटवार कर रही है। देखिए, कोई किसी को टारगेट नहीं करता है। टारगेट यदि होना होता तो बहुत लोग अभी जेल में रहते हैं। हाँ, जिस पर प्रथम दृष्टया कोई आरोप लगते हैं, अरे टारगेट करके तो जेएमएम कर रही है कि हमारे पिछले सरकार में 5 मंत्रियों पर एसीबी की जांच के लिए उन्होंने अनुमति दी है। अवैध खनन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय मई के पहले सप्ताह से झारखंड में लगातार कार्रवाई कर रहा है। मुख्यमंत्री तक से इस मामले में पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अभी तक की जांच में क्या कुछ पता चला है इसका जवाब नहीं मिल रहा है। कुमार चंदन। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।